ये देखिए देसी कटहल का पकोड़ा, ये हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। और ये पकोड़ा देखिए कितना बड़ा बड़ा है, और ये पत्ता में हम लोग अभी इसको फ्राई करके रखे हैं। ये देखिए कितना सारा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब राय ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज हम दिखाएंगे कि जैक फ्रूट के फल से पकौड़ा किस तरह बनाया जाता है, जिसे हम लोग लोकल भाषा में कटहल का फल कहते हैं। तो कटहल का फल से पकौड़ा किस तरह बनाया जाता है, फ्रूट का पकौड़ा हम लोग देहाती स्टाइल में तैयारी करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जो कि कटहल का पकौड़ा किस तरह तैयार करते हैं और हम लोग खाते हैं। तो बने रहे वीडियो में और देखें अंत तक। आप देख रहे हैं ये जैक फ्रूट है, देसी जैक फ्रूट, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में कटहल कहते हैं। ये देखिए इसको किस तरह काटा जा रहा है और इसके माखन को निकाला जाएगा। आज हम लोग दिखाएंगे कि जैक फ्रूट के फल से पकौड़े किस तरह बनाया जाता है, कटहल के फल से पकौड़ा किस तरह छाँका जाता है। तो देखिए अभी इसको काट रहा है हसुआ लेके, इसके अंदर जो जैक फ्रूट का फल अंदर है उसको निकालेगा अभी, और निकाल करके हम लोग अभी पकौड़ा तैयार करेंगे। तो देखिए किस तरह इसको छुटाया जा रहा है एक एक करके ये जैक फ्रूट को। ये देखिए सावन महीना वाला कटहल है ये, कितना बड़ा बड़ा और कितना बड़ा बड़ा है। ये देखिए जैक फ्रूट और कितना लंबा लंबा है, और हम लोग इसे फ्राई करके खाएंगे अभी। तो देखिए इसे किस तरह अभी छुटा करके एक सुप्ती में, बांस के बने सुप्ती में रख रहे हैं अलग करके। ये देखिए जैक फ्रूट के फल को कैसे हाथों द्वारा छुटाया जा रहा है, और ये सानिया कटहल है जो सावन महीना में ही तक रहता है, और ये देखिए सावन महीना तक गाछों में ये फल पाया जाता है। तो देखिए ये कच्चा है अभी, और इसे हम लोग काट करके छुटा रहे हैं और इसे पकौड़ा बना के खा के दिखाएंगे कि इसका स्वाद किस तरह लगता है। ये देखिए कैसे हसुआ में काटा जा रहा है, इसके जो छाली होता है ये जैक फ्रूट के ऊपर देखिए छाली लगा हुआ है, तो यहाँ छाली को अलग करके रख रहा है। और ये देखिए जैक फ्रूट कितना लंबा है और कितना बड़ा है। ये सानिया कटहल है और ये सावन महीना तक रहता है ये कच्चा। तो देखिए ये कच्चा कच्चा फल है ये जैक फ्रूट, कितना बड़ा है। और इसको हम लोग अभी फ्राई करेंगे और फ्राई करके खाएंगे, पकौड़ा बनाएंगे। और यहाँ देखिए एक सुप्ती है, सुप्ती में काट करके हम लोग रखे हैं। तो इसे देखिए टुकड़ा कर दिया, और इसके अंदर ये कितना छोटा बीज निकला है, और बीज देखिए अंकुरित हो चुका है। देखिए कटहल के अंदर कितना बड़का बड़का माखन पाया गया है। ये सानिया कटहल है और इसका जो माखन होता है बहुत ही लंबा लंबा होता है। ये देखिए कितना बड़का लंबा है, और इसे हम लोग फ्राई करके खाएंगे। ये देखने में अभी लंबा लग रहा है कितना, और भी फ्राई करेंगे तो और भी लंबा हो जाएगा और खाने में बहुत ही स्वाद लगेगा। देखिए यहाँ कितना छुटा करके रखे हैं हम लोग सुप्ती में, फल देखिए कितना लंबा लंबा है, इसे हम लोग कटहल का फल कहते हैं। तो देखिए किस तरह हम लोग इसे अभी छुटाए हैं और इसे फ्राई करेंगे। देखिए कितना सारा इसको निकाल करके रखे हैं सुप्ती में, और बहुत ही लंबा लंबा है। तो हम अभी फ्राई करने वाले हैं और फ्राई करके दिखाएंगे कि इसका स्वाद किस तरह लगता है फ्राई करके खाने से। तो देखिए बहुत सारा हम लोग निकाल करके रखे हैं एक सुप्ती में, अभी फ्राई करने वाले हैं। और देखिए बहुत ही लंबा लंबा है ये जैक फ्रूट का फल। और हम लोग देखिए बेसन लाए हैं, और बेसन को अभी पानी मिला करके इसे अभी साना जाएगा, और इसे मैं डाल करके जैक फ्रूट को हम लोग फ्राई करेंगे। ये बेसन है थाली में, इसको अभी साना जाएगा पूरा, पूरी तरह से अभी इसको फेंट लिया जाएगा। ये हम लोग का जो बेसन था ये पूरी तरह से देखिए फेंट करके हम लोग थाली में रखे हुए हैं, और हमारा देखिए चूल्हा भी जल के रेडी हो चुका है। ये देखिए चूल्हा कैसे रेडी हो रहा है, और इसमें कढ़ाई भी हम लोग चढ़ा दिए हैं,
और कढ़ाई को पूरा गर्म हो जाने के बाद इसमें सरसों का तेल डाला जाएगा, जो कि सरसों के तेल से ही हम लोग इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए किस तरह ये जलावन जल रहा है ये चूल्हा में, और देखिए ये कढ़ाई में कैसे सरसों का तेल डाल दिया। ये पूरी तरह से हम लोग का कढ़ाई गर्म हो चुका है और अब तेल गर्म होने वाला है, और इसके बाद हम लोग कटहल का पकौड़ा तैयार हो जाएगा। तो देखिए कटहल का पकौड़ा किस तरह अभी तैयार कर रहा है। ये हम लोग बेसन सांप घोल के रखे थे एक थाली में, और जैकफ्रूट के फल को देखिए कैसे जो बेसन हम लोग थाली में घोल के रखे थे उसमें डाला जा रहा है और इसे पूरी तरह से मिक्स करेगा। ये कटहल के फल को जो बेसन घुला हुआ है और इसे देखिए किस तरह मिक्स कर रहा है हाथों द्वारा, और मिक्स करके ये जो सामने कढ़ाई देख रहे हैं ये कढ़ाई में फ्राई करेगा, और फ्राई हो जाने के बाद इसे हम लोग खाएंगे, जिसे हम लोग जैकफ्रूट का पकौड़ा कहते हैं, कटहल का पकौड़ा। तो देखिए कैसे हाथों द्वारा मिक्स करके इसे अभी सान रहा है और अभी छका जाएगा, इसे फ्राई किया जाएगा। और देखिए पूरी तरह से इसे मिक्स कर दे रहा है ये कटहल को, कटहल के फल को, और ये चूल्हा में हम लोग का सरसों का तेल गर्म हो रहा है और इसे हम लोग फ्राई करेंगे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये कटहल का पकौड़ा खाने में। और भी देखिए यहाँ सुखती में है कितना बड़का बड़का है, और इसे अभी छाका जाएगा। देखिए ये चूल्हा हम लोग का रेडी हो चुका है, अब पकने वाला है ये जैकफ्रूट। और देखिए कैसे कढ़ाई में जैकफ्रूट को छाका जा रहा है, ये देखिए कितना सारा जैकफ्रूट यहाँ जो कि बेसन में सान करके जो मिक्स किया हुआ था, ये देखिए चूल्हा में इसको कैसे ये फ्राई कर रहा है। और फ्राई करने के बाद ये पूरी तरह से पकौड़ा बन जाएगा, जैकफ्रूट का पकौड़ा, जो कि बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। और ये देखिए कटहल के फल को किस तरह ये कढ़ाई में छाका जा रहा है, ये पकौड़ा हम लोग का तैयार हो रहा है। ये देखिए चूल्हा में बनकर तैयार हो रहा है, इसको किस तरह फ्राई कर रहा है, ये चूल्हा में अभी चढ़ा हुआ है, और देखिए इसको एक चाटू के द्वारा इसे उबाला जा रहा है ताकि पूरी तरह से चारों साइड से जो पकौड़ा है हम लोग का अच्छा से पके और खाने में भी अच्छा लगे। तो देखिए इसे कैसे उबाल उबाल करके इसको छाका जा रहा है, इसको फ्राई किया जा रहा है। देखिए ये जो कटहल देख रहे हैं, ये कटहल हमारे घर का पेड़ का गाछ का था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये कटहल खाने में। तो आज हम लोग फ्राई करके दिखा रहे हैं कि इसका फ्राई किया हुआ पकौड़ा किस तरह लगता है खाने में। तो ये देखिए पूरी तरह से हम लोग का ये फ्राई हो चुका है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब देखिए बड़का वाला आ रहा है, ये बड़ा जैकफ्रूट का कौवा, देखिए कितना लंबा है ये, और इसे भी छका जा रहा है, और छकने के बाद ये और भी लंबा हो जाएगा और देखने में भी मस्त लगेगा और खाने में इसका स्वाद ही कुछ अलग लगेगा। तो देखिए ये अभी कढ़ाई में छक रहा है और जो छोटा छोटा था उसको छक करके अलग रख रहा है। देखिए और देखिए कितना सुंदर अभी ये फ्राई हो रहा है कढ़ाई में, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और इसका स्वाद ही कुछ अलग लगेगा खाने में। ये देसी कटहल को हम लोग किस तरह पकौड़ा फ्राई कर रहे हैं, ये कढ़ाई के ऊपर है अभी ये पक रहा है, ये देखिए किस तरह फ्राई हो रहा है, और इसे उबाल उबाल करके हम लोग फ्राई कर रहे हैं ताकि कहीं कच्चा छूट ना जाए, और कच्चा छूट जाने से खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग चारों साइड घुमा घुमा के इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए कढ़ाई के अंदर किस तरह फ्राई हो रहा है, और यहाँ और भी है बहुत सारा, तो इसे भी फ्राई करने वाले हैं। और ये देखिए सूप में भी और कितना सारा है और कितना बड़ा बड़ा है, तो इसे भी हम लोग फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितना बड़का पकौड़ा जैकफ्रूट कटहल का, देखिए कितना बड़का पकौड़ा हम लोग का छाक करके रेडी हो चुका है, फ्राई करके रेडी हो चुका है, और इसे हम लोग अभी पत्ता में रखेंगे अलग करके। देखिए वहाँ छाक करके जो फ्राई किए हुए हैं उसको साइड में अलग करके रख रहे हैं। फ्रूट का फल है, कटहल का फल है, और हम लोग जो हम लोग बेसन साने हुए थे
और बेसन में इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो बेसन हम लोग सने हुए थे उसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ताकि बेसन घुस जाए और इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हम पूरी तरह से बेसन मिक्स कर दिए इसमें। ये हम लोग का देखिए पूरी तरह से बेसन मिक्स हो गया और इसे हम अभी कढ़ाई में डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। और इसे देखिए किस तरह कढ़ाई में डाल दिए और इसे हम फ्राई करने वाले हैं। और देखिए ये फ्राई हो रहा है, ये हमारा चूल्हा में ये जैकफ्रूट का पकौड़ा। और देखिए चूल्हा भी बहुत तेज़ गति से जल रहा है। ये हम लोग गांव देहात में ज़्यादातर चूल्हा में ही हम लोग यूज करते हैं कुछ भी खाना वाना बनाने में, तो आज हम लोग चूल्हा में ही इसको पका रहे हैं, छाँक रहे हैं। तो देखिए ये हम लोग का चूल्हा में अभी पक रहा है। और दो चार हम लोग देखिए पका करके रखे हैं तो इसको उठा देते हैं। और ये देखिए पक चुका है तो इसको हम थाली में पत्ता में रख देंगे। ये देखिए और कितना सारा पका करके रखे हैं हम। और ये देखिए कैसे पक रहा है मेरा चूल्हा में। स्टॉप कर देंगे पका। और देखिए ये मेरा पकौड़ा देखिए तैयार हो चुका है, ये फ्राई होके। ये कटहल का पकौड़ा है, ये देखिए पूरी तरह से हम फ्राई करके रेडी कर चुके हैं। ये देखिए कितना बड़का है ये पकौड़ा। ये हमारे देसी गाछ का कटहल का पकौड़ा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में और कितना बड़का है, ये कितना बड़ा है देखिए ये पकौड़ा कटहल का, जिसे हम लोग इंग्लिश में जैकफ्रूट कहते हैं। ये जैकफ्रूट का पकौड़ा देखिए कितना बड़का हम लोग का अच्छा मतलब फ्राई होके रेडी हो चुका है। और इसे हम लोग खा के दिखाएंगे कि इसका स्वाद किस तरह लगेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पत्ता में छाँक करके रखे हैं कितना सारा, और इसे खा के दिखाएंगे कि इसका स्वाद किस तरह लगता है। तो देखिए कितना सारा हम लोग इसको फ्राई करके रखे हैं और अभी मैं खा के दिखाऊँगा कि इसका स्वाद किस तरह लगता है। इतना सारा हम लोग फ्राई करके रखे हैं। ये हमारे गाछ का देसी कटहल था तो हम लोग आज पकौड़ा बना के दिखा रहे हैं देसी कटहल का। ये देखिए कितना बड़का बड़का लंबा लंबा है ये पकौड़ा, ये कटहल का पकौड़ा देखिए। क्या आप इतना लंबा लंबा पकौड़ा देखे हैं? कटहल का नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कितना सुंदर है। और मैं इसे खा के दिखाऊंगा कि इसका स्वाद किस तरह लगता है। ये देखिए कितना लंबा है, ये देखिए देसी कटहल का पकौड़ा ये हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। और ये पकौड़ा देखिए कितना बड़ा बड़ा है। और ये पत्ता में हम लोग अभी इसको फ्राई करके रखे हैं। ये देखिए कितना सारा है और इसका लंबाई देख रहे हैं, इसका लंबाई कितना लंबा है। और भी है देखिए, सब लंबा लंबा ही है और थोड़ा बहुत छोटा है लेकिन ज़्यादातर लंबा ही है। ये देखिए कितना लंबा है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में ये जैकफ्रूट का पकौड़ा। तो देखिए ये पूरी तरह से पक चुका है ये हम लोग का फ्राई होकर। ये देखिए जैकफ्रूट का पकौड़ा कितना लंबा लंबा, क्या आप इतना लंबा लंबा जैकफ्रूट का पकौड़ा देखे हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कटहल का पकौड़े हैं। ये देखिए कितना बड़का हम लोग फ्राई करके रखे हैं। और भी है नीचे, तो इसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो खाऊँगा कि इसका स्वाद किस तरह लगता है। और इसका लंबाई देखिए कितना लंबा है और चौड़ा भी बहुत लंबा है। और साथ में एक भाई बैठा है, वो भी देखिए किस तरह खा रहा है जैकफ्रूट का पकौड़ा। कैसा लग रहा है खाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जैकफ्रूट का पकौड़ा। अगर आप जैकफ्रूट का पकौड़ा या कटहल का पकौड़ा बना के नहीं खाया है तो खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और
जस्ट अभी चूल्हा से फ्राई करके इसे उतारे हैं और खा रहे हैं। बहुत ही गर्मा गर्म मज़ा लग रहा है खाने में ये कटहल का पकौड़ा। तो मेरा वीडियो किस तरह लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप सबको दिखा सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा टाटा कर दो।